नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण राजपुरिया। आज का जो टॉपिक है वो है भांग या कैनाबिस। ये उपविष का चौथा जो ड्रग है उसको हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं आज। उसको देखते हैं इसका डिटेल क्या है। लेटिन नेम है इसका कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। इसके अलावा इसकी फैमिली होती है कैनाबेसी। संस्कृत में भंगा या भांग कहते हैं और इंग्लिश में इसको हैम्प। हिंदी में भांग, चरस, गांजा सारे चीज़ों को मिलाकर मतलब कोई भी सिनोनेम इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसके और सिनोनेम्स हैं लाइक गांजा, जया, मातुलानी, मदानी, विजया। जो विजया जो शब्द होता है वो हमारे जो विश्तिंदिक बीजमच वाले जो श्लोक है ना उपविष का, उसमें विजया वो नाम यूज़ किया गया था। उसके अलावा है इंद्रसना इन गंजाई का, ठीक है। टाइप ऑफ पॉइजन में अगर जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन के लिए तो आयुर्वेद में तो ये स्थावर विष है, दूसरा वानस्पतिक विष के अंतर्गत आता है, फिर थर्ड है उसका जो एक्शन होता है लाइक प्रलापक विष है, ठीक है। और इसका जो पार्ट यूज होता है वो कॉमनली बीज या पत्र, ठीक है। इसमें फल विष या पुष्प विष भी आ सकता है, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा है इसका मॉडर्न अगर देखें तो न्यूरोटॉक्सिक डेलिरेंट पॉइजन, ठीक है। तो ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, डेलिरेंट होता है। स्वरूप में अगर जाते हैं तो इसका पत्र एकांतर होता है, क्रम से व्यवस्थित होते हैं, ठीक। और पुष्प जो होता है छोटा हरितवर्ण होता है, एकलिंगी होते हैं। और पुंपुष जो है छोटी नम्र मंजरियों में होते हैं तथा स्त्री पुष्प उपपत्रों के सहित समूहबद्ध होते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका मेल और फीमेल दोनों प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है। फल जो होते हैं छोटे दानेदार होते हैं जिनके भीतर एक एक चपटा जो बीज होता है। पुष्प और फल शरद ऋतु में लगते हैं, ठीक है। टॉक्सिक पार्ट की अगर बात करें, इसका अगर प्रिपरेशंस की बात करें तो अलग अलग प्रिपरेशंस हैं इसके अलग अलग पार्ट के हिसाब से। तो सबसे पहला है भांग, जिसके नाम से ये प्लांट ही है। दिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग शूट्स, मतलब जो सूखी पत्तियां हैं और इसके जो सूखे जो फूल हैं या फल हैं उस पार्ट को भांग बोला जाता है। इस प्लांट का जो सूखी पत्तियां, फूल या फल जो होता है उसको भांग कहा जाता है। इसके अलावा जो है माजुम, माजुम या माजून दोनों बोला जाता है इसको। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम भांगा आफ्टर ट्रीटिंग विथ शुगर, फ्लोर, मिल्क एंड बटर। जब जो भांग होता है लाइक ड्राइड लीव्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को, उसके फूल और फल को और पत्तियों को जब शुगर या तो आटा या फ्लोर मैदा वगैरह या तो मिल्क बटर वगैरह के साथ कुछ मिक्स बनाया जाता है, कुछ प्रिपरेशन बनाया जाता है, तो उसको माजून कहा जाता है। गांजा क्या होता है? द रस्टी ग्रीन कलर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड कंसिस्ट ऑफ फ्लावरिंग फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द फीमेल प्लांट कोटेड विथ रेसिन। मैंने बताया था ये मेल और फीमेल दो प्रकार के प्लांट होते हैं इसके अंतर्गत, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। तो फीमेल फ्लावर टॉप या फीमेल फ्रूट टॉप्स जो होते हैं उस पार्ट को गांजा कहा जाता है, ठीक। तो ये गांजा होता है और इसको जो एक लेने का जो तरीका है वो भी अलग ही होता है। चरस जो होता है वो क्या होता है? ये एक्सुडेट्स होते हैं। कहाँ से? लीव्स या स्टेम से जो एक्सुडेट निकलते हैं उसको नॉर्मली चरस बोला जाता है, ठीक। एक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो कैनाबिस में बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम प्लांट्स क्या होते हैं? कैनाबिनोइड्स। रेसिन कंटेन ओवर 60 कैनाबिनोइड्स लाइक बहुत सारे मोर देन 60 कैनाबिनोइड्स होते हैं इसके अंतर्गत। कैनाबिनियोल, कैनाबिडियोल, कैनाबिनोलिक एसिड, कैनाबिजिरोल, ठीक है। इसके अलावा है डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनियोल THC बोला जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी की बात करें तो गुण में लघु और तीक्ष्ण होता है इसका गुण। जो है रस जो है तिक्त होता है, विपाक कटु एवं वीर्य जो है उष्ण वीर्य का होता है, और प्रभाव मादकता प्रभाव लाइक आप जानते हैं प्रभाव प्रलापक विषय प्रभाव जो है मादकता का होता है। मोड ऑफ एक्शन तो आयुर्वेद में वही है, प्रलापक प्रभाव होता है, प्रलापक विष के अंतर्गत आता है इस कारण से। और इसके अलावा जो मॉडर्न है THC एक्ट ऑन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेसिफिक रिसेप्टर्स रीजन ऑफ ब्रेन कंसर्न्ड विथ पेन परसेप्शन कॉग्निशन मेमोरी रिवॉर्ड एंड मोटर कोऑर्डिनेशन। तो इन सब चीज़ों को ये प्रभावित करता है, डायरेक्टली ब्रेन में इफेक्ट करता है, इस कारण से यह प्रलापकता की तरफ अग्रसर होता है।
फेटल डोज की बात करें तो चरस में 2 ग्राम या गांजा का 8 ग्राम और भांग का 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ले सकते हैं और THC जो है 30 mg पर केजी IV। एक्सट्रैक्ट जो होता है इसका जो निकलता है एक्सट्रैक्ट उसको अगर लें तो 90 mg मैक्सिमम और टिंचर जो होता है 10 मिनिम्स और फेटल पीरियड होता है इसका 12 से 24 घंटे। अब भांग की विषाक्तता के लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षणों को नॉर्मली 2 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। जो पहला होता है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, इसमें क्या होता है विजुअल हैल्यूसिनेशंस, इम्पल्सिव आइडियाज आते हैं, रैपिड पल्स होता है, यूफोरिया की कंडीशन होती है, टॉकेटिवनेस होता है, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अनकंट्रोल्ड लाफिंग, बहुत ही ज़्यादा बिना मतलब का हंसते रहेंगे, इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख बढ़ जाएगी, क्रेविंग ऑफ स्वीट एंड स्लीप, सोने या मीठा खाने की इच्छा बढ़ जाएगी, लॉस ऑफ टाइम एंड स्पेस परसेप्शन, कहाँ पर हूँ या कितना बजा है, कैसे है स्पेस वगैरह का उसका कोई भी वो परसेप्शन नहीं कर पाएगा, फाइटफुल हेल्यूसिनेशंस, ड्रीमी स्टेट एंड वाइल्डली डिलीरियस। अब नेक्स्ट जो होता है थोड़ा सा इसका एडवांस स्टेज जो होता है वो होता है स्टेज ऑफ नार्कोसिस, इसमें सीवियरिटी बढ़ जाएगी और इसमें गिडीनेस, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, डायलेटेड प्यूपिल, टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफन प्रेजेंट, डीप स्लीप एंड अवेक अप विदाउट डिप्रेशन, रेयरली ड्राउजीनेस भी होता है, समटाइम्स कोमा एंड कोलेप्स और उसके बाद डेथ हो जाता है, ठीक है। बट जो फैटालिटी है इसमें डेथ होना बहुत अनकॉमन है, मतलब अनयूजुअल है, बहुत नॉर्मली होता नहीं है, ठीक। अब जो जीर्ण विषाक्तता है इसका, जो क्रॉनिक कंडीशन होता है भांग चरस या गांजा की विषाक्तता का, उसमें जो लोग बहुत लंबे समय से इसके आदि होते हैं और इसको लेते रहते हैं उनमें ये जो आगे दिया गया जो साइन एंड सिम्टम्स है वो पाया जाता है, लाइक एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है, वीकनेस, ट्रेमर, इम्पोटेंस एंड मोरल डिटेरियोरेशन, क्रॉनिक अब्यूसर्स में लॉस इंटरेस्ट ऑफ इन कॉमन सोशली डिज़ायरेबल गोल, उनका जो सोशल डिज़ायरेबल गोल कुछ नहीं होगा, वो हर चीज़ से विमुख हो जाएंगे, डिलीरियम विथ मार्क इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन एंड परफॉर्मेंस टास्क, रन अमोक विथ डिज़ायर टू कमिट मर्डर एंड कमिट सुसाइड, ये मेंटालिटी ख़राब हो जा रहती है उनकी, वो हो सकता है तो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं या हो सकता है वो अपने सुसाइड कर लें। अब इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है जो होता है, तो अगर एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन में किसी को इसकी विषाक्तता हुई है तो सबसे पहले तो उसका जो अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन जो है उसको बाहर निकालने के लिए स्टमक वॉश वगैरह दे सकते हैं और उसके साथ ही परगेटिव वगैरह भी दे सकते हैं। अब जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे अगर इफ़ेक्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे करके उसको ठीक किया जा सकता है, कोल्ड बाथ देना है ताकि नॉर्मलाइज हो सके चीज़ें, और स्टिमुलेंट्स देना है ताकि वो होश में रहे और रिस्पॉन्स करे, और इसके अलावा जो भी होगा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मेजर जो भी होंगे वो देना है, ठीक है। अगर क्रॉनिक पॉइजनिंग की बात करें, बहुत लंबे अरसे से वो ले रहे हैं और क्रॉनिक पॉइजनिंग की अवस्था है तो उसको धीरे धीरे छोड़वाना है, एकदम से नहीं दे देना है, इस कारण से ग्रेजुअल विड्रॉल बोला गया है। सिडेशन के लिए डाइजेपाम का यूज़ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। होलोपेरिडॉल फॉर साइकोटिक रिएक्शन, साइकोटिक रिएक्शन जब होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए होलोपेरिडॉल भी देना है, एंड उसके अलावा एक काउंसलिंग देनी है, साइकोथेरेपी देनी है, समझाइश देनी है, ठीक। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर देखें तो हेड बाथ विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से हेड बाथ के लिए बोला गया है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मलाइज करता है, चीज़ों को शांत रखने में मदद करता है। इसके अलावा होता है गाय का दूध शक्कर के साथ मिला करके, और उसके अलावा काउस कर्ड, शुंठी एंड फ्रेश रूट ऑफ संडे साडा, ठीक है। तो इसको क्रश्ड इन वाटर एंड कंज्यूम्ड, चीज़ों को मिलाना है, इसको क्रश करना है और उसके वाटर के साथ इसको कंज्यूम कर लेना है। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस की बात करें तो मागम एंड चरस आर प्राइमरीली यूज फॉर रॉबरी, रॉबरी के लिए इसको नॉर्मली यूज़ किया जाता था, एक्सीडेंटल तो कॉमन ही होता है, एंड टू स्टडी नर्व बिफोर कमिटिंग द क्राइम, मतलब कोई भी क्राइम करने से पहले अगर वो इसको लेता है तो उसमें वो डेयर या तो उस चीज़ को करने की क्षमता या इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, तो अपने आप को थोड़ा सा एग्रेसिव करने के लिए इसको कमिट, कोई भी क्राइम करने से पहले अपने आप को एक्साइटेड करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, एंड होमिसाइडल एक्टिविटी के लिए भी किसी को ये दिया जा सकता है, ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो
बहुत ये नॉर्मली फैटलिटीज नहीं होती है, इस कारण से इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है।